नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर को बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पालक, थोड़ा पनीर, प्याज, कुछ हरी मिर्च, एक टमाटर, थोड़ा लहसुन और थोड़ा सा अदरक। इसके अलावा मसालों में हमें चाहिए हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा गरम मसाला। अब हम सबसे पहले पालक को अच्छी तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद उसे कुकर में बॉयल होने के लिए रख देंगे। हमें इसको पानी डालकर 5-6 सीटी तक उबाल लेना है। देखिए, अब ये पालक उबल चुका है। इसे हम ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया है। पेस्ट बनाने के बाद हमने पनीर को और टमाटर को काट लिया है, प्याज को छोटे टुकड़े में काट लिया है, लहसुन और अदरक को कूट लिया है, हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम छौंक लगाने के लिए गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारा तेल अब गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले अदरक डालेंगे। अदरक डालने के बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा इसे चला देंगे। इसके बाद अब हम इसमें कूटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालकर इसको चला लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। इसके बाद हम इसमें अब प्याज मिलाएंगे। प्याज मिलाकर इसको हल्का ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। देखिए, हमारा प्याज अब ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी डालकर चलाएंगे। थोड़ी देर टमाटर चलाने के बाद इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डालकर इसको चलाएंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक टमाटर थोड़ा गल ना जाए। इसके बाद अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको डालकर हम इसको हल्का सा भून लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, सूखा ही इसको भून कर तैयार करेंगे। देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें पालक का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम पालक का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको चला लेंगे। देखिए, अब मसाला और पालक का पेस्ट मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ पनीर डालेंगे। पनीर मिलाकर इसको अच्छे से चलाकर इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पालक पनीर तैयार हो चुका है।
आप इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लें और इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन पर जाके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।